हेलो एवरीवन, यह है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आज हम सीखेंगे कैसे कंबाइन फूटिंग को हम डिज़ाइन करते हैं स्टैट फाउंडेशन में। सबसे पहले हमें स्टैट प्रो में दो कॉलम बनाने होंगे जिनके लिए हमें कंबाइन फूटिंग डिज़ाइन करनी है। मान लीजिए एक फ्रेम है ये, तो हम इस फ्रेम के लिए एक कंबाइन फूटिंग डिज़ाइन करेंगे इस तरह से। रफली ड्राइंग बना रहा हूँ मैं आपके लिए। इस तरह से कंबाइंड फुटिंग डिज़ाइन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ सपोर्ट लगानी होगी। सबसे पहले इसको हमें एनालाइज़ करना है, क्योंकि एनालाइज़ करेंगे तभी हमें यहाँ पे फोर्सेस मिलेंगे सपोर्ट पे, और उन फोर्सेस के आधार पर ही हम डिज़ाइन करेंगे फाउंडेशन। तो अभी हम रेंडमली ऐसे ही कुछ भी प्रॉपर्टी इसको डाल रहे हैं फ्रेम को, और अब हमें लोड देना है। लोड दे देते हैं डेड लोड, सेल्फ वेट, और इसी पर एक यूडीएल लगा देते हैं मेंबर लोड 20। ये लगा दिया, बस इसको अब एनालाइज करना है आपको। एनालाइज़ करने के बाद आपको यहाँ स्टैट फाउंडेशन पे क्लिक करना है और इस लोड केस को इंक्लूड करना है, और यहाँ पे रन स्टैट फाउंडेशन। ये स्टैट फाउंडेशन ओपन हो गया, ये भी इंस्टॉल होना चाहिए आपके पीसी में। ये दो रिएक्शंस आ गई हैं, 1 और 4। यहाँ पे हमें कंबाइंड फाउंडेशन डिज़ाइन करनी है, इसलिए इसका हम टॉप व्यू ले लेते हैं। यहाँ से टॉप व्यू, जॉब सेटअप, क्रिएट न्यू जॉब, यहाँ पर डाल देते हैं कंबाइंड कंबाइन। यहाँ पे आइसोलेटेड को चेंज करके कंबाइन, यूएसए को चेंज कर इंडिया। उसके बाद इस लोड को इंक्लूड करते हैं और क्रिएट जॉब। क्रिएट जॉब करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कंबाइन फुटिंग का आ गया है। यहाँ पे सेम पैरामीटर्स हैं फुटिंग के, क्लियर कवर, रेनफोर्समेंट, इस तरह के पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। सॉइल कवर डिफॉल्ट लेते हैं अभी, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल ये चेंज कर सकते हैं, रेंज दे सकते हैं ज्योमेट्री की, और यहाँ पे आपको डिज़ाइन पे क्लिक करना है। ये फेल हो गई है क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, सोइल की बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं। वैसे तो अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो सोइल की बेयरिंग कैपेसिटी जहाँ पे आपको बनानी है वहाँ पे होती है, जो होगी वो होगी। उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक से कर सकते हैं उसे इम्प्रूव, लेकिन उसके दूसरा तरीका है फाउंडेशन का एरिया बढ़ाना। लेकिन हम यहाँ पे केवल बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, 200 कर दिया देखिए यहाँ पे। अब डिज़ाइन करते हैं, अभी भी फेल हो रहा है। अब हम कर देते हैं यहाँ पे 400 डिज़ाइन, ये फेल हुए जा रहा है। मैं एक चीज़ भूल गया था जिसकी वजह से फेल हो रहा है, क्योंकि ये कंबाइन है तो हमने कंबाइन तो बनाई नहीं है, है ना। तो कंबाइन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको डिलीट करना होगा। दोबारा से जॉब सेटअप पे जाना है, क्रिएट जॉब, डिलीट जॉब करते हैं हम, ये वाली डिलीट, क्रिएट, कंबाइन, कंबाइन इंडिया, सेम प्रोसीजर। यहाँ पे एक ऑप्शन था वो मैं भूल गया था, क्रिएट जॉब करना है। उसके बाद जिनके बीच में हमें कंबाइन करना है उन दोनों को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करके मैंने सेलेक्ट किया दोनों को। यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट सिलेक्टेड नोड, ये देखिए, बस इतना करना है। उसके बाद सेम पैरामीटर और डिज़ाइन कर देना है आपको। ये देखिए डिज़ाइन हो चुकी है, मैन्युअली कैलकुलेशन है। और यहाँ पे आप देखेंगे ग्राफ, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ड्राइंग, ठीक है। और यहाँ पे एलिवेशन है और यहाँ पे आपका प्लान है, दोनों आपके कॉलम है। देखिए मैंने कॉलम को 300 बाय 300 दिया, तो 2.5 मीटर बाय कितनी की है, 2.5 मीटर बाय 7 मीटर की फाउंडेशन डिज़ाइन हुई है। पूरी शीट है, इसको हम सेव कर सकते हैं एज ए ड्राइंग डेस्कटॉप पे, या यहीं पे सेव कर लेते हैं वेक्टर ड्राइंग के नाम से। अब इसको ओपन करते हैं, ये रही वेक्टर ड्राइंग। अब इसे ऑटो कैड से ओपन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ड्राइंग आ चुकी है।
तो इस तरह से हम कंबाइन फुटिंग डिज़ाइन करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूले। ये कंबाइन फुटिंग, क्योंकि यहाँ पे कमेंट आया है कि फाउंडेशन डिज़ाइन के लिए मैं वीडियो डाल चुका हूँ आइसोलेटेड, और कंबाइन के लिए मैं डाल रहा हूँ ये, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू।